सत्संग आज का सत्संग जिस विषय पर हम कर रहे हैं वो पूर्व में भी किया जा चुका। मनुष्य के जीवन की अनेकों समस्याएं जिनके समाधान सहजता से उपलब्ध नहीं होते, विशेषकर मार्गदर्शन और अवसर, द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटी। ये मार्गदर्शन और अवसर ये मनुष्य के भूते में कई बार नहीं रहता और स्थितियां अटक जाती हैं। जीवन साधक की दृष्टि से भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में कि अपने जीवन के उस समस्या विशेष के प्रति मार्गदर्शन, सबसे उचित मार्गदर्शन, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त हो और अगर उस स्थिति को आगे बढ़ाने में, समाधान में किसी अवसर की प्रतीक्षा है तो उसका संयोग बैठे, इसके लिए ईश्वरीय मन से संवाद होना आवश्यक है। संवाद माने डायलॉग। मैंने कही, आपने सुनी, आपने उत्तर दिया, मैंने सुना, आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज, इसे संवाद कहते हैं। ईश्वर से संवाद, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण ब्रह्म मुहूर्त के इस क्षण के ध्यान के उपरांत के होते हैं। प्रातः की वेला ईश्वरीय मन बहुत जागृत होता है। क्या वो बाकी समय सोया रहता है? नहीं, सोना जागना मनुष्य के लिए है, उसके लिए नहीं। पर प्रकृति के अंतर्गत ये वेला ऐसी होती है कि ईश्वरीय मन को संपर्क में ला पाना इन क्षणों में सहज होता है हमारे लिए। मंदिरों में भगवान नहीं सोते, पुजारियों के कारण भगवान को शयन कराया जाता है जिससे पुजारी भी जाके शयन करें, अन्यथा भगवान क्यों सोएंगे। उसी प्रकार ईश्वरीय मन सदैव जागृत, पर मनुष्य और प्रकृति, द ह्यूमन एंड द नेचर, ये दोनों इस समय ऐसे संयोग में होते हैं कि ईश्वरीय मन अति निकट होता है। ध्यान के उपरांत जब मौन के क्षण लगभग 5 से 10 मिनट के हम रखते हैं, कभी 1-2 मिनट कम ज्यादा होता रहता है, जैसे अंदर से आवाज आती है, वो 5 से 10 मिनट के बीच का समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है। उस समय में, उन क्षणों में साधक, तुम चाहो तो उनका सदुपयोग अपनी समस्या विशेष के मार्गदर्शन अथवा अवसर प्राप्ति हेतु कर सकते हो। तुम्हारी जो भी कोई समस्या है, एक बात तो निश्चित है, साधक की समस्या लोभ ग्रसित नहीं होनी चाहिए। है तो साधक स्वयं दायित्व लेगा अगर उसका कुछ बिगड़ता है। लोभ प्रभावित नहीं, आवश्यकता प्रभावित नहीं कहा मैंने, लोभ कहा है। आवश्यकता प्रभावित अगर है तो अवश्य कहो, लोभ प्रभावित नहीं हो, किसी की हानि नहीं करे। हानि से तात्पर्य अर्थात किसी के हित को खराब नहीं करे, किसी के अधिकार को खराब नहीं करे। हानि तो किसी दुष्ट के वध में भी है, पर नहीं, वो उसमें नहीं आता। हानि अर्थात किसी के अधिकार का हनन ना हो। ये दो बातें नहीं हैं,
और अधिकार के हनन में वासनाएं भी आ जाती हैं। ये दो बातें नहीं हैं, लोभ नहीं है, अधिकार का हनन नहीं है, निश्चित रूप से कहो। पर कहने से पूर्व जो कहना चाहते हो मनी मन मनी मन मनी मन, उसे पहले स्पष्टता से लिख लो। अस्पष्ट मन का संवाद ईश्वरीय मन से उथला होता है। तुम्हें आश्चर्य होगा सुन के, पर सत्य है, ईश्वरीय मन प्रतिध्वनि देता है। जो हम कहते हैं तदनुरूप वहां से प्रभाव आता है। इसलिए अगर हम अस्पष्ट हैं, नो क्लैरिटी, तो वहां से क्या उत्तर, क्या समाधान आएगा, हमारी भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि इन क्षणों में तुम पहले से स्पष्ट होके बैठो, कहां से शुरू करके कहां खत्म करना है इसका हिसाब पहले होना चाहिए। उसे पिरो लो, जो कहना है उसे पिरो लो, गूंथ लो, लिख लो। बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। स्पष्टता चाहे भौतिक जगत हो चाहे अलौकिक जगत हो, दोनों का एक समान सिद्धांत सूत्र है सफलता हेतु, क्षेत्र लौकिक हो आध्यात्मिक हो। स्पष्टता के बिना दोनों स्थानों पर सफलता नहीं। इसलिए पहले स्पष्ट हो जाओ। प्रातः कहने से पहले रात को एक दिन दो दिन तीन दिन लगा के स्पष्ट करके लिख लो, ये कहना है मुझे। और फिर ध्यान के उपरांत, जैसे ही ध्यान के उपरांत शांति मौन आरंभ हो उस मौन में, पर ये ना हो कि मुझे आज कहना है, इस उतावली में तुम ध्यान भी ना कर पाओ, ना अधूरा नहीं छोड़ना। पूरी तन्मयता से श्रद्धा पूरित होकर ईश्वर के निकट जा रहे हो, उसे कुछ कहने लगे हो, अपने आप को स्थिर कर लो, शांत कर लो, पूरी तरह से ध्यान में ओतप्रोत हो जाओ। फिर जैसे ही मौन आरंभ हो, बहुत सहजता से अपनी बात को, मुंह पे नहीं मारना है हमने, ध्यान दे, सहजता से ईश्वर के सामने व्यक्त कर दो मनी मन। मैं बुदबुदा सकता हूँ, बुदबुदा सकता, हाँ बुदबुदा दो, बुदबुदा सकते हो, जो कहना है बुदबुदाओ। तो उस प्रकार से बोल दो अपने मन से, दो तीन पांच बार आराम से दोहरा दो, और दोहरा करके पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरी बात ईश्वरीय मन ने ब्रह्म मुहूर्त की इस दिव्य बेला में, जब ब्रह्म ऋषियों की सत्ता सक्रिय है, मन ही मन सोच लो, सुन ले। इस विश्वास के साथ अपनी साधना पूर्ण करो, और फिर उसके उपरांत ईश्वरीय मन से उत्तर की प्रतीक्षा करो, भाव रूप में, प्रेरणा रूप में तुम्हारे भीतर उसके समाधान आने आरंभ हो जाए। जहां तक अवसर का प्रश्न है, वो संयोग अपने आप बैठते हैं, पर जहां तक प्रेरणा, समाधान, सुझाव, मार्गदर्शन, प्रकाश, वो आपकी बुद्धि में ही अवतरित होगा। पर एक साधक होने के नाते जो भाव भी आए उन दिनों में, इसे लगातार कुछ दिन करो, उन्हें नोट करते जाओ। जब भी मन में आया नोट कर लो, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, जिससे संकलन हो जाए। उस संकलन को देखोगे, तुम्हें कुछ ही समय उपरांत, कुछ दिनों में ही ये पता लग जाएगा, ये भाव कहीं अन्य क्षेत्र से आ रहा है और मुझे उस पर कदम उठाना चाहिए। ये जो मैंने तुम्हें समझाया है, ये विधा मेरी नहीं है, ये विधा ब्रह्म ऋषियों की विधा है बाबू, ब्रह्म ऋषियों की विधा है ये, कि ईश्वरीय मन से समाधान हेतु संवाद कैसे, किस प्रकार करें। और सबसे उत्तम है रविवार के दिन
तो विशेष रूप से करो। रविवार के दिन सूर्य की समस्त रश्मियां एक साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, बड़ा अद्भुत संयोग होता है। बाकी दिन प्रभाव में कमी नहीं होती, यह अभ्यास करके देखना। और इस अभ्यास को किसी साधक मनस्थिति के व्यक्ति को सुझा भी सकते हो, सुझाने में भी कोई वो नहीं। किसी अन्य की समस्या के समाधान हेतु भी तुम स्वयं कर सकते हो, पर पूर्ण शुद्ध मन से, पवित्र मन से, स्पष्टता के साथ, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत के मौन काल में 2-3 बार बात सरकानी है, और फिर उसके बाद अपने बोध को के प्रति सजग रहना। जो भी भाव है, भाव दिन में आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, ये करके देखना, तुम्हें इससे लाभ होगा निश्चित। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।